फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की इन झुकी डालियों से नित शीश झुकाना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोड़िया। दोस्तों आज मैं खड़ा हूं एक बहुत ही शानदार जगह है। मैं सुबह से निकला हुआ था आज घूमने के लिए जंगल में, तो जैसे ही जंगल के बाहर आया दोस्तों, थोड़ा मुझे एक ये बगीचा गार्डन तो नहीं कहेंगे, ये फूलों की खेती है, ठीक है, गेंदों का फूल है, ठीक है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा देखने के बाद ये, तो मैंने सोचा कि आज मैं यही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि MP फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती है, ठीक है, कब आएगी। ठीक, मैंने कई बार बता चुका हूँ कि MP फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती है दोस्तों, उसके बारे में पहले एग्ज़ाम जो कैलेंडर था व्यापम का, PB का, उसमें डला था, लेकिन अभी हट गया है, ठीक है। तो मैंने बताया ना आपको, कोई नहीं बता सकता कि भर्ती कब आएगी, ठीक है, लेकिन हम यही एक प्री प्रिडिक्शन कर सकते हैं, पूर्वानुमान ये लगा सकते हैं कि भर्ती जल्द आएगी। मान के चलिए दोस्तों आज ही भर्ती आ गई शाम तक, तो फिर क्या करोगे आप, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भर्ती का वेट ना करें, ठीक है, और आप सिर्फ MP फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हैं क्या, क्या सिर्फ आप एक भर्ती के भरोसे बैठे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी भी भर्ती आएंगी, चाहे वो MP फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे MP पुलिस कांस्टेबल हो, ठीक है, चाहे आपका पटवारी हो जाए, ठीक है, यदि आप उसके लिए एलिजिबल हो दोस्तों, आप देख लीजिए कि उसमें क्या क्या मांगता है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, देख लीजिए और आप तैयारी में बढ़ जाइए। तो देखिए, आपको जो MP फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस है, क्या क्या आता है उसमें, मैथ्स आता है, ठीक है, इसके बाद क्या आता है, साइंस आता है, ठीक, इंग्लिश आता है, हिंदी आती है, और जनरल नॉलेज आता है MP GK और सब चीज़, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कभी कभी ये भी पूछते हैं कि सर क्या MP GK बस पढ़ेंगे MP फॉरेस्ट गार्ड में, तो मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, क्या सिर्फ आप सिर्फ MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के भरोसे बैठे हो क्या, बाकी दूसरे एग्जाम नहीं दोगे, तो आप दूसरा GK भी पढ़ो ना, ठीक है। भर्ती कब आएगी, मैंने बता दिया ना, भर्ती तो कल भी आ सकती है, आने वाली होगी, तो और नहीं आना होगा तो उसके लिए चल रहा है सिलसिला, आप तो देख ही रहे हो, ठीक है। और YouTube वाले जो हैं वो तो एक, मैंने तो बहुत सारे YouTube चैनल वालों को ऐसा देखता हूँ कि लो भैया भर्ती आ गई, ऐसा डालते हैं वो, ठीक है, और अंदर जाके देखो तो कुछ जानकारी नहीं पता चलती, तो ऐसे भ्रमित वीडियो को ना देखें, ठीक है, अपना तैयारी करते रहें। 5 सब्जेक्ट में बताया मैंने MP फॉरेस्ट गार्ड के, वो उसके अलावा रीजनिंग, ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर, यदि आप MP पटवारी का एग्जाम देना चाहते हो तो कंप्यूटर हो गया, ठीक है, पंचायती राज हो गया, और हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, विविध हो गया, लुसेंट का जो स्पोर्ट वाला सेक्शन होता है, स्पोर्ट GK जो होता है वो हो गया, तो इन सब चीज़ों को पढ़ते रहो। ऐसे 10-11 सब्जेक्ट हैं दोस्तों, ठीक है, यदि आप 10-12 सब्जेक्ट आप पकड़ कर लेते हो, आप अभी आपके पास समय है, ठीक, भर्तियाँ नहीं आ रही हैं, ठीक है, तो आपके पास समय है, तो आप क्या करो, उन सारे सब्जेक्ट को कवर कर लो, ठीक है। आपको जैसे ही आप उन सारे सब्जेक्ट को कवर करोगे, कोई भी भर्ती आ जाए, जैसे मान के चलिए आप MP फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो और MP पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ गई, तो फिर क्या करोगे, आपका सिलेबस तो कॉमन रहेगा लेकिन उसमें रीजनिंग आती है, ठीक है, तो फिर क्या करोगे, तो रीजनिंग को भी कंप्लीट करके चलो। ऐसे 10-11 सब्जेक्ट जो मैंने बताया आपको, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक, GK हो गया जिसमें सारा GK, इंडिया GK में आपको हिस्ट्री है ना, जियोग्राफी, पॉलिटी और स्पोर्ट्स और करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें को कवर कर लो। अगर आप इतना सारा सब्जेक्ट कवर कर लेते हो, फिर ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों इन्हीं सिलेबस के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है, यदि हम किसी स्पेशली एग्ज़ाम के में ना जाएँ तो फिर सारे एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक, तो आप इतने सारे सब्जेक्ट, 10-11 सब्जेक्ट जो होते हैं उनको सबको पढ़ के कंप्लीट करके रखो, करंट अफेयर्स पढ़ते चलो, ठीक है, और जैसी भर्ती आएगी तो आप कूद पड़ना रण में, ठीक है। तो आपका कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि MP फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती कब आएगी वो तो सरकार का काम है, ठीक है, वो जब देना चाहेगी तब देगी, आपका काम है पढ़ने का, आपको पढ़ते रहना है, ठीक है, और भर्ती आंदोलन भी चल रहे हैं, देखो अभी भर्तियों का सिलसिला धीरे धीरे चालू हो रहा है, ग्रुप 5 की भर्ती आ गई है, MPPSC के भी क्या हुआ है कि 2019 का रिजल्ट आ गया है, ठीक है, तो संभावना है कि बहुत जल्दी आएंगी भर्ती। और मैंने ये देखा है, मेरा अनुभव रहा है कि नवंबर और दिसंबर, यदि आपको विश्वास नहीं होगा तो आप MPPSC के वेबसाइट में जाना और देखना वहाँ जाके कि नवंबर और दिसंबर में MPPSC का नोटिफिकेशन हर साल आता है, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए। तो उसी प्रकार से दोस्तों जो व्यापम के एग्जाम होते हैं उनके भी नोटिफिकेशन के फॉर्म नवंबर दिसंबर माह में आने की संभावना ज़्यादा होती है, तो
हम यही प्री प्रोडक्शन कर सकते हैं कि आने वाले एक दो माह में भर्ती आने की संभावना है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना दोस्तों, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, बहुत ही शानदार दोस्तों नज़ारा है यहाँ पर प्रकृति का तो नहीं, ये एक किसान भाई है हमारे, उनके द्वारा फूलों की खेती की जाती है, गोंदे के फूल। जैसे कि अभी दीपावली का त्यौहार आने वाला है तो उसमें ये फूल बहुत महंगे बिकते हैं। ठीक है, मैंने किसान भाई से बात किया तो उन्होंने मेरे को बताया कि अभी वर्तमान में इसके रेट अभी 50 रुपये किलो चल रहा है, 60 रुपये किलो चल रहा है, लेकिन दीपावली तक लगभग 60 से 100 रुपये किलो प्रति किलो ये फूल बिकने की संभावना है। दो वैरायटी के फूल है, एक देख रहे हो आप येलो कलर का दिख रहा है और एक वो उधर देख रहे हो आप ना, है ना, हल्का ऑरेंज कलर टाइप का जो दिख रहा है वो अलग फूल है। ठीक है, तो दो कलर के फूल हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।